हाउस बिल्लम निशितम रजीम बसमिल्लाम अल्लाम सकिन क्लास होप्स ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है पेज नंबर 42 पे है मसल फटीक के। मसल फटीक क्या है, टैटनी क्या है, क्रैम्प्स क्या है और टेटनस क्या है, ये चार डिसऑर्डर्स के बारे में हमने आज पढ़ना है। तो मसल फटीक जैसे कि नाम से ज़ाहिर है थकावट का नाम है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारा क्रॉस ब्रिज बना हुआ होता है कि ATP कमी होने की वजह से, डिफेक्ट कहते हैं कमी होने की वजह से, ATP की कमी होने की वजह से वो जो हमारा एक क्रॉस ब्रिज बन गया वो वैसे का वैसे बना रहता है। क्योंकि हम लोगों ने कल भी पढ़ा है कि इस ब्रिज को तोड़ने के लिए ATP की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ATP का लेवल डाउन हो जाएगा तो ये ATP जो है वो अवेलेबल नहीं होगी और ब्रिज नहीं टूटेगा, जिसकी वजह से हमें मसल फटीक हो जाएगी। ठीक है, आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्रॉस ब्रिज आर अनेबल टू डिटैच मीन्स क्रॉस ब्रिज है वो सेपरेट नहीं हो पाता। और इसके अलावा और क्या वजह है कि जो लैक्टिक एसिड है, जब हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है एनारोबिक कंडीशन में, जब एनारोबिक कंडीशन होती है ऑक्सीजन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती तो हमारा जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट बेसिकली हो रहा होता है। तो लैक्टिक एसिड और ज़्यादा जमा होने की वजह से भी जो मसल्स हैं वो फटीक कर जाते हैं, मीन्स वहाँ थकावट हो जाती है। आयनिक इम्बैलेंस, आयन्स प्रॉपर आपके जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, कुछ आयन्स कैल्शियम आयन्स हैं, सोडियम आयन्स हैं, ये इनकी कमी ज़्यादा होने की वजह से भी मसल फटीक हो जाती है। ठीक है, और जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड में कंटिन्यूसली हो रही होती है तो ये एसिड है तो ये मसल की pH को मज़ीद ड्रॉप कर देगा, कम कर देगा, एसिड की तरफ ले आएगा मसल की pH को, जिसकी वजह से मसल आपके दुखना शुरू हो जाएंगे। एज का मतलब होता है पेन, मसल पेन होना शुरू हो जाएगी। अक्सर टैटनी बेसिकली क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जब कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है, तो कैल्शियम लेवल जब बेटा कम होता है तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयन ज़्यादा जाते हैं, और आप सबको पता है जब सोडियम आयन अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो नर्व इम्पल्सिस ज़्यादा तेज़ी से जनरेट होती हैं। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो होने की वजह से नर्व इम्पल्सिस बहुत तेज़ी से जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा हो जाता है, मीन्स न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सेंसेशन की जो सूझबूझ का जो है वो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है, मीन्स हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी के साथ बन क्या रहा है। मसल्स जो हैं वो ट्विचेस होना शुरू हो जाते हैं, मुड़ना शुरू हो जाते हैं, कन्वर्जन्स इनवॉलंटरी एक्शंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ये पूरे का पूरा सिस्टम अनट्रीटेड, मीन्स हम इसका ट्रीटमेंट ना करवाएं, तो इसकी वजह से लेरिंग्स के अंदर जो हमारे जो थ्रॉट रीजन है इसकी भी इनवॉलंटरी एक्शंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। स्पैम्स का मतलब इनवॉलंटरी एक्शंस होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, इस अल्टीमेटली इसकी डेथ भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का मतलब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो प्रॉपरली काम नहीं करता, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टैटनस की। अब टैटनस बेटा ये दोनों डिजीज़ को आपने मिक्स नहीं करना, ये जो अभी हमने टैटनी और मस्कुलर फटीक पड़ी, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ATP की कमी है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से है। जबकि टैटनस जो है ये इन्फेक्शन है, ये किसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, क्लोस्ट्रीडियम टैटनी एक बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन होता है। जब किसी रोड वगैरह पर गिरते हैं तो एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टैटनी, इसकी वजह से क्या होता है इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। और वो कहते हैं बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम टैटनी ये बैक्टीरिया जब वो टॉक्सिन रिलीज करता है, वो टॉक्सिन जाके हमारे नर्व इम्पल्सिस को जो है वो ख़राब कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पेनफुल जो हैं वो इनवॉलंटरी एक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, हमारे जॉस जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। अब इसका जो ज़्यादातर इफेक्ट है हमारे जॉस के ऊपर और नेक वाले रीजन पर होता है, तो हमारे जॉस अकड़ना शुरू हो जाते हैं, अगर मुंह खुला है तो खुला रह जाता है, अगर मुंह बंद है तो वो बहुत सख्ती से बंद हो जाता है, जो नेक मसल्स हैं वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा ट्रंक जो बॉडी के सेंट्रल बॉडी रीजन है, और जो लिम्स हैं जो हमारे आर्म्स वगैरह हैं वो भी स्टिफ हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, और हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अभी गरीब मालिक हैं उनमें 40% जो डेथ रेट है वो किसकी वजह से है, इस टैटनस की वजह से ही है। ठीक है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है शरैमवाद, इसकी वजह से, इस टैटनस की वजह से है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रैम्प। क्रैम्प की चीज़ है कि जब कहते हैं अक्सर रग पड़ जाती है रात को सोते हुए, अक्सर आपकी जो नीचे वाली पिनियाँ होती हैं वहाँ पर जो है वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। बेसिकली वो होता क्यों है कि हमारी बॉडी के अंदर जब शुगर लेवल कम हो जाता है, क्योंकि शुगर लेवल जो है वो ATP बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब शुगर लेवल कम हो जाता है इसका मतलब ATP कम है, जब ATP कम है ऑब्वियसली हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मसल्स जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाते, तो इनकी वजह से भी मसल्स में पेन हो जाता है। टॉट का मतलब अकड़ना, मसल्स अकड़ना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर का बॉडी किस रीजन में होता है, थाई के अंदर होता है, हिप्स के अंदर होता है, जिन पर प्रेशर ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा काम करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन का मतलब हमारे आयंस जो हैं वो डिलीट होना शुरू हो जाते हैं, आयंस की जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन जो होती है, पानी कमी होने की कमी की वजह से भी क्रैम्प ज़्यादा पड़ते हैं, मसल फटीक भी ज़्यादा होती है पानी की कमी की वजह से। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स इरिटेबिलिटी हो जाती है, मीन्स इनके अंदर जो है वो इरिटेशन वगैरह स्टार्ट होती है, अकड़, ये भी स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स वगैरह हैं, ये भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। ठीक है जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ स्केल्टन मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केल्टन।